तो हेलो भैया जी, सभी कैसे? मुझे लगता है सब मस्त बलजंगा होंगे। तो आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज भी हम लोग कुछ फुटबॉल अपडेट लेके आए हुए हैं। तो भैया जी, 2 दिन तो भाई जबरदस्त, 6 और 7 अक्टूबर को तो भाई हर तरफ झारखंड में लोकल टूर्नामेंट का बात करें तो HLM ट्रॉफी पूरा छाया हुआ था। जहाँ भी देखो HLM ट्रॉफी भाई जबरदस्त क्रेज था HLM ट्रॉफी का। और कल फाइनल मैच हुआ और फाइनल मैच भी जबरदस्त हुआ। तो फाइनल मैच में रिमिक्स बालूघाट, जो रिमिक्स जमशेदपुर के प्लेयर, वो लोग फाइनल जीते। और जो रनर अप टीम हुई यंग स्टार FC हुई। तो भाई रिमिक्स जमशेदपुर का क्या ही इस साल अच्छा दिन चल रहा है। जहाँ भी जा रही है अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैच भी पूरा जबरदस्त, हार जीत कोई कोई जगह हार भी जा रही है, बहुत जगह जीत रही है। बट जहाँ भी खेल रही है पूरा जबरदस्त तरीके से खेल रही है। इस साल वो लोग का पूरा भाई मज़ेदार जा रहा है और शुरू से ही बहुत सारे मैच जीत भी रही है। तो इस साल लग रहा है कि भाई रिमिक्स जमशेदपुर तो पूरा तहलका मचा कर रखेगी। और HLM ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट में भी विनर होना कोई आम बात नहीं है। तो अब ये लोग का रास्ता तो भाई बुलंदियों पे जाने वाला है, मुझे लग रहा है। तो चलो अगला अपडेट की ओर जाते हैं कि आज कुछ अपडेट आया है फुटबॉल का, उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। 22/12 सोहराई जात्रा के उपलक्ष्य में स्वर्गीय दशाहुराम फुटबॉल टूर्नामेंट कुदलोंग, तो ये बालालोंग के बगल में पड़ता है, कुदलोंग दुर्वा डैम के बगल में। तो यहाँ एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जैसे हर साल किया जाता है, इस साल भी किया गया है। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का टूर्नामेंट होगा। तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसका फाइनल मैच होगा 2 नवंबर को सोहराई जात्रा के दिन में। तो बालक का एंट्री फीस का बात करें तो 5,000 रखा गया। और बालक का प्राइस के बारे में बात करें तो बालक का प्राइस है 51,000 फर्स्ट प्राइज़ और सेकेंड 31,000 और थर्ड फोर्थ 7,000 देकर सम्मानित किया जाएगा। और 16 टीमों का डिमांड किया गया है। और गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स का एंट्री फीस 4,000 रखा गया और 8 टीमों का डिमांड किया गया। और गर्ल्स का प्राइस के बारे में बात करें तो पहला 30,000 और सेकेंड 20,000 देकर सम्मानित किया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो कमेटी का नंबर दिया गया है, आप कमेटी से कॉन्टैक्ट करके अपना टीम डाल सकते हैं। तो भैया जी, और एक फुटबॉल अपडेट आया है, उसके बारे में थोड़ा आप लोग को बताते हैं। आदिवासी युवा विकास फुटबॉल टूर्नामेंट ये कांकेर मना में होने वाला है। तो बड़ा टूर्नामेंट है, प्राइज रखा गया है 2,51,000, सेकेंड 1,71,000 और थर्ड फोर्थ को 41,000 देकर सम्मानित किया जाएगा। और एंट्री फीस का बात करें तो 25,000 रखा गया और 16 टीमों का डिमांड किया गया है। तो अगर आप इच्छुक है तो कमेटी से कॉन्टेक्ट करके यहाँ टीम डाल सकते हैं। अगर आप नामकुम एरिया में एक छोटा टूर्नामेंट देखना चाहते हैं तो आज 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का एक आयोजन किया गया है डुंगरी में। तो बुदाना के बगल में पड़ता है, आप लोग को पता है डुंगरी, वहाँ एक छोटा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो मैं लिस्ट डाल देता हूँ, आप लोग देख ले अगर आज फ्री है और इधर से बिलोंग करते हैं और छोटा मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ जाके देख सकते हैं। और इसका फाइनल मैच जो होगा 13 तारीख को होगा। तो मैं लिस्ट डाल दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और जाके यहाँ भी मैच देख सकते हैं। और एक लखटकिया टूर्नामेंट का अपडेट ये है कि कल मैं गया था सिमलिया ग्राउंड में। तो सिमलिया ग्राउंड का मैं वीडियो डाला हूँ, अगर नहीं देखो तो जाकर यूट्यूब में चेक करो। तो आज का जो मैच सिमलिया ग्राउंड में होने वाला है, सनराइज FC दलादली का आदिवासी क्लब पंडरा के बीच में और PMG मुंडा ब्रदर का बांधगाड़ी FC के बीच में होने वाला है। तो आज चांसेस जताया जा रहा है कि कुछ स्टार प्लेयर भी आप लोग को इस ग्राउंड में देखने के लिए मिलेंगे। तो मज़ा आने वाला है आज का मैच भी इस ग्राउंड में। और एक दिन में 3 मैच सिमलिया ग्राउंड में देखने के लिए मिलता है। अगर आप सिमलिया ग्राउंड कहाँ पर से ये नहीं जानता तो दलादली चौक आएंगे, वहाँ पर सरना होटल है, उसके बगल में ही पूरब साइड आप लोग को 500 मीटर ही आगे जाएंगे और आप लोग को ग्राउंड मिलेगा। तो आपको परेशानी नहीं होगी ग्राउंड खोलने में, दलादली चौक के पास जाके किसी से भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, कल किसी नए अपडेट के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए चैनल में जुड़े रहने, आज वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। चलो बाय, सभी को झारखंड जोहार।